प्रणाम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जनसरोकार मंच का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। इस मंच पर मैं अपने द्वारा लिखे गीत आपके बीच में रखूँगा, उन्हें सुनाऊँगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे गीतों की यात्रा पहले एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। मैं अपना परिचय दे दूंगा पहले। मेरा नाम अरुण सिसोदिया, अरुण कुमार वाल्मीकि भी है। मुझे बचपन से ही गाने का शौक रहा है, बहुत छोटी उम्र से ही गाने का शौक रहा है। गाते गाते मैं लिखने लगा। लिखने के बाद कई गीत लिखे, कई कविताएं लिखी, लेकिन कुछ खो गई वो, और जो है मेरे पास गीत वो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। गीतों की यात्रा कुछ इस प्रकार चलेगी कि देशभक्ति से होते हुए वो अपने टोंक आएगी, टोंक के बाद वो हमारे समाज, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ तो वाल्मीकि समाज के इर्द गिर्द घूमेंगे, फिर उसके पश्चात वो बाबा साहब को का बाबा साहब को याद करते हुए महामारी कोरोना को जागरूक करते हुए निकलेगी, और वहीं उसकी अंतिम, मेरे गीतों की अंतिम यात्रा होगी। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि मैं अपने गीत आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैंने संगीत में विशारद किया है और कई मंचों पर फिल्मी गीत भी गाए हैं, लेकिन जनसरोकार मंच पर मैं अपने द्वारा लिखे गीतों को ही गाना चाहूँगा। तो पहला गीत मैं आपके बीच रख रहा हूँ जो देशभक्ति गीत है, जिसके लेखक अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुरा अकबरपुर है। ये गीत मेरे किसी मित्र ने मुझे दिया था कि इसको, इसमें कुछ परिवर्तन कर इसको बनाया जाए, तो मेरी भी कुछ लाइनें हैं इसके अंदर, कुछ पंक्तियाँ मेरी भी हैं, तो वो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जा कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, अपने वतन से करना मोहब्बत ये फरमान मोहम्मद का, जहाँ की खाओ वहीं की गाओ ये ऐलान मोहम्मद का, देश की खातिर मर मिट जाओ ये पैगाम मोहम्मद का, वतन पे अपनी हस्ती लुटाओ ये ऐलान मोहम्मद का। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जा कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम मिलके यहाँ ईद दिवाली मनाते हैं, अमन चैन की तस्वीर ये दुनिया को दिखलाते हैं, हो कोई भी दुर्घटना ये दोनों साथ निभाते हैं, मरते हैं एक दूजे पर, एक दूजे पे जान लुटाते हैं। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जा कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है ये मेरा हिंदुस्तान है, भारत में पाक का झंडा वतन से ये गद्दारी है, जिसमें खाए छेद उसी में ये कैसी बीमारी है,
पुलवामा और उरी में हमला, ये कैसी मक्कारी है। अब हो देश में अमन चैन, ये सब की जिम्मेदारी है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जा कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मंदिर पर होते हैं हमले, मस्जिद पर पत्थरबाजी। कत्ल करे भाई को भाई, ये कैसी दगाबाजी। धर्म हमें सिखाता प्यार, ना हो इसमें कलाबाजी। इंसान हो इंसान ही रहो, याद करो अपना माजी। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जा कुर्बान है। मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देशभक्ति गीत के बाद मैं अगली प्रस्तुति, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरे गीतों की यात्रा अब अपने टोंक, मेरे अजीज ज़िले टोंक में आएगी, जो कि बहुत ही प्यारा है और इसकी धरोहरें भी बहुत प्यारी हैं। चाहे वो रसिया की टेकरी हो, चाहे वो सुनहरी कोठी हो, अरबी फारसी हो, ऐसे कई जगह हैं टोंक के अंदर। टोंक के खंडों में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं। तो वैसे टोंक को परिभाषित मैं अपने गीत में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टोंक बहुत ही मनमोहक है और बहुत बड़ा है और बहुत ही दिल को लुभाने वाला है। फिर भी मैं जितना टोंक को जानता हूँ, जितना मैं प्यार करता हूँ टोंक से, उसके बारे में मैंने लिखा है और उसे अपने सुरों में पिरोया है। तो आप सबके सामने मैं अपने टोंक का ये गीत जो मेरे द्वारा लिखा है। वैसे ये गीत मुझे मेरे मित्र कोटा के, कोई मित्र थे, उन्होंने कहा था कि वो कोटा में कोई टैलेंट हंट जीता है, तो वो हाड़ौती के लिए मुझे बोला था कि वो हाड़ौती के लिए कोई गीत बनाए, ताकि वो उसको अपने सुरों में डालकर गा सके, तो मुझे लिखने के लिए कहा गया था। तो मैंने कोटा का थोड़ा सा, क्योंकि कोटा में मेरा ननिहाल है, मेरे मामा हैं, नाना है, वहाँ वहीं रहते हैं, तो मुझे कोटा के बारे में बहुत जानकारी है। तो थोड़ा सा मैं बताऊँगा दो लाइनों में कि किस तरह मैंने लिखा था वो। देश में चमके जी की ज्योति, देश में चमके जी की ज्योति, वो हाड़ा की हाड़ोती। तो और भी इसके अंदर पंक्तियाँ थी, तो मैंने उनको दिया इस गीत, तो किसी वजह से वो इस गीत को नहीं गा पाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर के लिए, अपने टोंक के लिए इस गीत को लिखूं और इसकी धुन बनाऊं, इसको कंपोज करूं। तो मैंने ये गीत लिखा है, जो गीत आपके सामने प्रस्तुत है। देश में है राजस्थान, देश में है राजस्थान, टोंक न रखो सबको मान, टोंक न रखो सबको मान। हर वीर नवाबा की या नगरी प्यारी प्यारी, वीर नवाबा की या नगरी प्यारी प्यारी। बड़ा बड़ा दुश्मन भी हारिया बहादुर छे नर नारी, बड़ा बड़ा दुश्मन भी हारिया बहादुर छे नर नारी। बिजली से चमके जी की शान, बिजली से चमके जी की शान, टोंक न रखो सबको मान, टोंक न रखो सबको मान। देश में है राजस्थान, देश में है राजस्थान, टोंक न रखो सबको मान। कल कल करती बनास नदी खेता की प्यास बुझावे,
कल कल करती बनास नदी खेता की प्यास बुझावे। सैकड़े एकड़ खेता में ककड़ी तरबूज उगावे, सैकड़े एकड़ खेता में ककड़ी तरबूज उगावे। नागण सिन्हरा जी की शान, नागण सिन्हरा जी की जान, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। देश है राजस्थान, देश में है राजस्थान, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। और ये ऐतिहासिक लाइन मैं टोंक के लिए गाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। हर टोंक का वीराने माँ की अशीलाज छे राखी, टोंक का वीराने माँ की अशीलाज छे राखी। पूरो देश गुलाम हो गयो टोंक रह गयो बाकी, पूरो देश गुलाम हो गयो टोंक रह गयो बाकी। प्रसिद्ध दुनिया में नाम, प्रसिद्ध दुनिया में नाम, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। देश में है राजस्थान, देश में है राजस्थान, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। अरे हिंदू मुस्लिम एक दरी पे चुस्क्या चाय के लेवे, हिंदू मुस्लिम एक दरी पे चुस्क्या चाय के लेवे। दुनिया भर का लोगा ने संदेश एक और देवे, दुनिया भर का लोगा ने संदेश एक और देवे। देवे एक दूजा पे जान, देवे एक दूजा पे जान, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। देश में है राजस्थान, देश में है राजस्थान, टोकन राख्यो सबको मान, टोकन राख्यो सबको मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको, सभी टोंकवासियों को ये गीत पसंद आया होगा। इसी यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मेरे अगले गीत के लिए। मेरा ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, और वाल्मीकि होने पर मुझे बहुत गर्व है, और सभी वाल्मीकियों को होना चाहिए गर्व कि वो देश का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने इस कोरोना महामारी के बीच में देश में साबित भी किया है, और वैसे भी वो देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, देश को स्वच्छ रखते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है मेरे वाल्मीकि भाइयों का, मेरे वाल्मीकि समाज का। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वाल्मीकि समाज। फिर भी दिल कहीं 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 ना कहीं दुखता है जब वाल्मीकि दलितों के साथ कई गांवों में, नानियों में गलत दुर्व्यवहार होता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, थोड़ा सा भी पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शहरों में ऐसा नहीं है, शहरों में बहुत अच्छे माहौल हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कुछ जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऐसे अत्याचार होते हैं, और इन अत्याचारों को देखते हुए ही मैंने ये गीत लिखा है। और ये गीत तो लिखा है मैंने, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी समाज के लोगों से, देश के लोगों से, और सभी राज्यों के लोगों से, कि उन सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के साथ अत्याचार होता है, उसके लिए वो समझाएं कि दलित भी इस देश का अंग हैं, और सब हम भाई भाई हैं।
क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं विनती भी करता हूँ सभी लोगों के मंच के माध्यम से कि दलितों को भी भाई समझें और शहरों जैसा माहौल गाँव में भी बनाएं। मेरा गीत उस दर्द को ही आपके बीच में प्रस्तुत करेगा कि दलितों का योगदान और दलितों की बार मेरी प्रार्थना समझ लीजिए, इसको मेरी विनती समझ लीजिए। तो मेरा ये गीत सभी मेरे वाल्मीकि भाइयों को प्रस्तुत है। दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा, दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा, अछूत का भी हम पे लगाया नारा, अछूत का भी हम पे लगाया नारा। बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा, अछूत का भी हम पे लगाया नारा। बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब देश की सेवा करके भी नफ़रत का तोहफा है लिया, देश की सेवा करके भी नफ़रत का तोहफा है लिया, दूर करके गंदगी रुसवा जिंदगी को है किया, दूर करके गंदगी रुसवा जिंदगी को है किया। दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा, अछूत का भी हम पे लगाया नारा। बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी सेवा हमने की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी सेवा हमने की, निर्मल जीवन उनका कर लाने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा। चाह नशान की हमने की न मान की परवाह हमने की, चाह नशान की हमने की न मान की परवाह हमने की, लेकिन ये ना भूलो तुम इंसान तो है हम सभी, चाह नशान की हमने की न मान की परवाह हमने की, लेकिन ये ना भूलो तुम इंसान तो है हम सभी। दुनिया ने हमें यारो है दुत्कारा, अछूत का भी हम पे लगाया नारा। बहुत सहा हमने अब नहीं होगा गुजारा, दया करो अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब दया करो, अब हम पे दया करो, अब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे गीतों को सुनने के लिए। इसी कड़ी में मैं अगला गीत, मैं थोड़ा पानी ले लूँ, फिर अगली कड़ी में हम बाबा साहब को याद करेंगे।
दलितों के मसीहा बाबा बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, दलितों के क्या वो उन्होंने तो भारत का कानून संविधान लिखा है, वो सभी के मसीहा है, उन्होंने सभी को अधिकार दिलाया है, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, कहीं ना कहीं कानून उनके काम आता ही है। इसलिए बाबा साहब सभी के लिए अनमोल, भारत का अनमोल रतन है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्हीं को देश के रतन होने के लिए मुझे अप्रैल में लगा कि मुझे एक गीत लिखना चाहिए बाबा साहब के लिए, क्योंकि मैं अधिकतर लिखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि बाबा साहब के लिए भी एक गीत लिखना चाहिए मुझे, ताकि देश के वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, देश के का वो बहुत ही बड़ा नाम है बाबा साहब, तो उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं की स्मृति में मैंने ये गीत लिखा है। आज मैं आप सभी को वो गीत सुनाऊंगा, वो गीत YouTube पे भी है वैसे, तो आज मैं आपके साथ लाइव आया हूँ, तो आपको बाबा साहब का वो गीत मेरे शोरों में सुनाता हूँ, आप सभी बने रहें और मेरे गीतों जो मैंने लिखा है उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने लिख दिए हैं, और बाकी आपकी जो कमेंट्स होंगे उसमें मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हुए। तो बाबा साहब की याद में उन्हें समर्पित मेरा ये गीत। मेरे बाबा, मेरे भीम रे, भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा, मेरे भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा। दलितों का तूने जीवन सवारा, दलितों का तूने जीवन सवारा, पिछड़ों को दिया तूने सहारा, तूने सहारा, तेरी दया है तेरी कृपा है, तेरा सब कुछ भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा, मेरे भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा। नाम तेरा सारी दुनिया ही जाने, नाम तेरा सारी दुनिया ही जाने, काम तेरा हर इंसान माने, इंसान माने, हक अधिकारों के लिए लड़ी तूने कितनी जंग रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा, मेरे भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा, मेरे भीम रे, आजा तुझको पुकारे मेरे भीम रे, मेरे भीम रे, ओ मेरे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ बने हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अब विश्वव्यापी कोरोना नामक बीमारी फैली, मैं मेडिकल से हूँ, मतलब मेरी जॉब मेडिकल में है, टोंक के एडिशनल CMHO ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ। मैं सभी मेडिकल के लोगों का, हमारे CMHO साहब सर का, एडिशनल साहब सर का और डिप्टी CMHO साहब सर का और PMO साहब सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पुलिस की पूरी टीम, पूरा महकमा, नगर परिषद की पूरी टीम, सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रात दिन जुड़कर काम में लगकर 24 घंटे अपनी ड्यूटी दी है। लॉकडाउन के बीच 2 महीने उन्होंने पूरी निष्ठा से पूरी इस देश की सेवा की है। कहीं भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस महामारी से लड़ने के लिए। तीनों महकमों ने पूरी ताकत झोंक दी इस कोरोना महामारी से लड़ने में। जब मैं ड्यूटी के लिए निकलता था सड़कों पर, सुनसान सड़कों पर, तब मुझे लगता था कि ये बीमारी कितनी भयंकर है, कितनी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से हमारी सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसको अभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। भीड़ भाड़ की जगहों पर हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, और कोई भी बीमारी या लगे कुछ सिम्टम्स दिखे तो तुरंत चिकित्सा सेवा लेनी चाहिए। उसी जागरूकता के लिए, जैसे कि मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ कर्मी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि इस मंच के माध्यम से मैं समाज को, देश को और अपने राज्य को ये बताऊं कि अब मौसमी बीमारियों का सीज़न शुरू हो गया है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इस बीच में कई हमारे शरीर में भी परिवर्तन होंगे, कई बीमारियां हमें चपेट में भी लेंगी, तो उन बीमारियों से बच कर रहें, जितना भी हो सके सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सरकार पूरी तरह लगी हुई है कोरोना से लड़ने में, और हमें भी अपनी भागीदारी निभाना चाहिए, आम नागरिक को भी इसमें भागीदारी निभाना चाहिए कि वो पूरा सहयोग करें, अपनी सुरक्षा को लेकर, आसपास की सुरक्षा को लेकर और अपने देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको हमें हल्के में नहीं लेना है। इसी लॉकडाउन के बीच में मैंने ये गीत लिखा था। गीत क्या है, आजकल नई जनरेशन के हिसाब से रैप सॉन्ग है ये, नई विधा है गायकी में, म्यूज़िक में नई विधा है रैप सॉन्ग, जो नवयुवकों को काफ़ी पसंद आती है। अपने कहने का तरीका, मैं अपने जो मेरे मन की बात थी वो मैंने अपने गीत में लिखी है। इसको मैं बीच आपके बीच प्रस्तुत करूँगा और चाहूँगा कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, राजस्थान सतर्क है, आप भी सतर्क रहें। तो ये गीत मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुनिया की हालत क्या हमने बनाई है, चारों ओर देखो कोरोना की ही तबाही है, लाशों के ढेर और दर्द की परछाई है। दुनिया की हालत क्या हमने बनाई है, याद करो अपने पाप और करो पश्चाताप, वो करेगा तुम्हें माफ जो करे सबका इंसाफ, कोरोना नहीं ये उसका इंसाफ है। दुनिया मिटाना चंद लम्हों की बात है, कतरा हो तुम कतरा बन के रहना, खुद को दुनिया का मालिक न कहना, बड़े बड़े बादशाह भी घुटनों पे आ गए, नाक जिसने रगड़ी वो ही दुनिया पे छा गए, चूहे कुत्ते बिल्ली बड़े चाव से खाए हैं,
सांप गोरे बिच्छू कैसे तुमने चबाए हैं, कोरोना उनकी सांसों का है बदला, जो हम पर कर रहा पूरी ताकत से हमला। प्लीज स्टे होम, रिक्वेस्ट स्टे होम, प्लीज स्टे होम, रिक्वेस्ट स्टे होम। मैं सभी आम नागरिक से अभी भी ये निवेदन करूँगा कि कोशिश करें कि आवश्यक कार्य के लिए ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाएं और अपने आप को मास्क से ढके रहें और हो सके तो सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें। मेरी अगली पंक्तियाँ, जो हुआ चलो अब उसे भूल जाना, घर में रहना और बाहर न आना, बाहर गए तो गुनहगार कहलाओगे, कोरोना तुम अपनों में ही फैलाओगे, जिसका अंजाम तुम सोच भी ना पाओगे, अपनों की लाशों के तुम हाथ ना लगाओगे। इतनी भयानक है कोविड की कहानी, सांसें रोक दे यह इसकी निशानी, कोरोना से जंग तभी जीती जाएगी, जब हर जिंदगी घरों में नजर आएगी, होगी परेशानी थोड़ी हाथ मुंह धोने से, लेकिन बच जाओगे अपनों को खोने से। डॉक्टर सभी भगवान बन खड़े हैं, स्वीपर भी जंग में आगे ही खड़े हैं, पुलिस के जवान अपनी जीत पे अड़े हैं, शुक्रिया अदा करो इनके पीछे हम खड़े हैं। प्लीज स्टे होम, रिक्वेस्ट स्टे होम, प्लीज स्टे होम, रिक्वेस्ट स्टे होम। मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सरकार की गाइडलाइन का उपयोग करें और उसको पढ़ें, उनको देखें। सरकार का बहुत पैसा खर्च हो रहा है आपको जागरूक करने के लिए, तो आप भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं, सतर्क रहें ताकि ये महामारी अब यहीं रुक जाए, क्योंकि सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद का विभाग तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, अपने राज्य का ख्याल रखें, अपने टोंक का मतलब अपने ज़िलों का भी ख्याल रखें। आप सभी लोग इसी बीच में मैं अपने गीतों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय देकर सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जनसरोकार मंच का कि उन्होंने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस मंच के माध्यम से अपने देश की बात कही, अपने टोंक की बात कही, अपने समाज की बात कही, अपने महकमे मेडिकल की बात कही और बाबा साहब को भी याद किया। आप सभी के बीच में मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे इस मंच के माध्यम से इतना कुछ बताने का मौका मिला, इतना कुछ सुनाने का मौका मिला। आप सभी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जनसरोकार मंच का और श्री आदरणीय देवेंद्र जी सर का, मोहित जी वैष्णव का, राजकुमार सर का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे अपने दोस्तों को खुद के गीत सुनाने का मौका दिया। मेरे सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही शालीनता से मुझे सुना और बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बताएं कि ये गीत कैसे लगे। नवेद जी, नवीन सौदा, मेरी प्रिय अरुणिता, ये मेरी वाइफ है जो कंटिन्यू मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, और गौरव सौदा, गोविंद सौदा, भूपेंद्र जी छानीवाल, ये भूपेंद्र जी छानीवाल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरे ज़िले के अंदर नरेंद्र जी साहू, वो नरेंद्र जी सिंह और भूपेंद्र जी छानीवाल जी, ये पूरे टोंक में सप्लाई इनके थ्रू ही जा रही है। ये बहुत ही
मेहनत का कार्य कर रहे हैं हमारे नवेद भाई, रिपोर्टिंग ये सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आम नागरिक भी अपना ध्यान रखें और खुश रहे, स्वस्थ रहें। राजस्थान सतर्क है और अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसी आशा के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद।